हेलो दोस्तों, कुक विद पैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यमी सा नाश्ता लेके आई हूँ, जिसे कि आप फटाफट से बना सकते हैं जब भी आपको हल्की फुल्की भूख हो, या आप इसको किसी पार्टी के स्टार्टर के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। इसको बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये नाश्ता हमारा बनके तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी को हम शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक बाउल ले लिया है, जिसमें कि सबसे पहले हम एक कटोरी पोहे ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पोहों को मैंने ऑलरेडी जो है वॉश करके सोक करके रख लिया था, तो ये हमारे पोहे एकदम सॉफ्ट हैं। उसमें हम दोस्तों आधा कप सूजी ऐड करेंगे, बिल्कुल बारीक वाली रवा मैंने ऐड कर दी है। यहाँ पर आधा कप मेरे पास उबले हुए आलू हैं, उनको भी मैंने ऐड कर दिया है, मैश किए हुए आलू हैं। एक कटी हुई हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। यहाँ पर एक छोटा सा प्याज मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ था, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। यहाँ थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है। तो इन चीज़ों को दोस्तों हम अभी मिक्स करेंगे। तो थोड़े से हम सीजनिंग कर लेते हैं, उसके लिए मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर दिया है। यहाँ पर थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा इसका चटपटा फ्लेवर आएगा। तो बस हमें और कुछ भी इसमें नहीं डालना, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे हाथ से। तो ये हमारा जो मिक्सचर है दोस्तों, बहुत ड्राई है सूजी डलने की वजह से, तो अभी हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे नीड के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है, ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें थोड़ा और पानी भी ऐड कर सकते हैं। और इसका एक अच्छा सा हमें डो टाइप हमें इसका मिक्सचर तैयार करना है। तो लगभग ये हमने मिक्सचर को मिक्स कर लिया है, तो इसको अभी हम 10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे, ताकि सूजी हमारी फूल सके। तो जब तक हमारा डो रेस्ट करता है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। तो यहाँ 10 मिनट के बाद मैंने डो को चेक कर लिया है दोस्तों। अगर आपको ये हमारा डो थोड़ा कड़ा लगे, तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी डालकर आपको इसको नीड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लगी है, बिल्कुल सेट है मेरा डो। तो मैंने इसको ऐसे ही हाथ से हल्का सा मसल लिया है। तो अभी हम इसके हाथ से कटलेट्स बनाएंगे, थोड़ा सा हाथ को हम ऑयली या ग्रीस कर लेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी शेप दे सकते हैं, टिक्की की शेप आज मैं इसको दे रही हूँ इस तरह से राउंड। मैंने इसको थोड़ा सा फ्लैट भी कर लिया, और साइड से इसके किनारों को मैंने स्मूथ कर लिया है। तो आज दोस्तों हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। तो मैंने पैटी साइज़ की अपने सारी पीसीस को जो है तैयार कर लेना है। आप अपने चॉइस के हिसाब से साइज़ इसका बना सकते हैं, छोटी या बड़ी, लेकिन ज़्यादा मोटी ना बनाएं, क्योंकि फिर अंदर से इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने इनको थोड़ा सा फ्लैट रखा है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक कढ़ाई में हल्का सा ऑयल लिया है, आज हम बहुत ही कम तेल में इनको बनाएंगे। तो यार लगभग मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल से जस्ट अपनी कढ़ाई को हल्का सा ग्रीस ही करना है। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे, और ऊपर से मैंने तेल में थोड़ी सी राई डाल दी है। राई को थोड़ा सा हम इसमें चटका लेंगे। देखिए राई हल्की सी जो है फूल चुकी है, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इसी ऑयल के ऊपर, राई वाले ऑयल के ऊपर हम अपनी आज जो हमने कटलेट्स पैटी तैयार करी है, उसको हम शैलो फ्राई करेंगे। एक बार में जितने पीसीज आएंगे मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और लगभग 4 से 5 मिनट तक हम इनको शैलो फ्राई करेंगे दोनों तरफ से, जब तक कि इनका कलर जो है वो गोल्डन ना हो जाए। तो यहाँ पर अभी 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, मैं इनको टर्न कर लूँगी, और दूसरी साइड से भी इनको मैं रोस्ट करूँगी।
आप चाहें तो दोस्तों इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इनको शैलो फ्राई ही कर रही हूँ। तो दोनों साइड से हम इनको पकाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको प्रेस कर लूँगी ऊपर से। दोस्तों इनका टेस्ट जो है बहुत ही यमी आएगा। आप इन कटलेट्स को या पैटी को या फिर अपने नाश्ते को कुछ भी इसको कह सकते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको बहुत ही यमी लगेगा। शाम के स्नैक के रूप में आप इनको इंस्टेंट बना सकते हैं। आपने देखा, बिल्कुल भी ज़्यादा हमें इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, ज़्यादा हमें समय नहीं लगता इसको बनाने में। फटाफट से हमारा ये नाश्ता बनके तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया इसके ऊपर कलर आ गया है गोल्डन। तो ये हमारी बिल्कुल तैयार है। तो मैंने इनको प्लेट में सर्व कर लिया है। आप इसको ग्रीन या फिर केचप के साथ, किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व करें, आपको बहुत ही यमी लगेगी। तो उम्मीद है आज की मेरी ये बहुत ही बढ़िया सी इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।